मेरिट, बाकी मैं पूरी कंप्लीट मेरिट जो होती है उसको लेकर आता हूँ, और जो 30-40 स्टूडेंट के बाद जो स्टूडेंट मेरिट में होते हैं उनकी जय बहुत करता हूँ। अच्छा क्या होता है कि अगर मैं अनुशासित नहीं रहूँगा, मैं आपको प्रेरित नहीं करूँगा, अगर मेरा आपके प्रति पढ़े के प्रति मोटिवेशन नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? टाइम पास कराने के तो माहिर है, लेकिन मूल बात क्या है, आपको तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। ये जो है आरबी राजस्थान पुलिस की मेरिट है, और राजस्थान पुलिस की मेरिट में नंबर 14 लेकर आए। पेपर सरल था क्या इस बार? जी थर्ड पोजीशन जिनकी रही है उनके परसेंटेज है 86.06, तो परसेंट में मार्क्स है, और परसेंटेज है उनके 71.72, और परसेंटाइल उनका है 94.84। थर्ड रैंक जिनकी है पुष्पेंद्र गुजर, अभिषेक जी के साथ पढ़ते शिका है वही है सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बर्थडे शुभकामनाएं। सेकंड पोजीशन जिनकी आई है 73.10 परसेंटेज है, 96.67 परसेंटाइल है, ये है कृष्ण मीना, कृष्ण जी मीना। अरे वेरी गुड, क्या बात है, बैठते तो सबसे पीछे वो आते सबसे आगे, नाम भी बड़ा गजब है कृष्ण मीना, और 73 इनका परसेंटेज है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप जो है आगे भी अपने नंबर देते आते हो, एक बार ज्यादा अभिनंदन करो। और फर्स्ट रैंक आरपी की आपको बात बताते हैं, ये पटवार की है 83.14 के मार्क्स है, 70.09 इनका परसेंटेज है, यानी कि कांस्टेबल वालों से थोड़े से परसेंटेज इनके कम आए हैं। थर्ड रैंक में सेम पेपर में कांस्टेबल वालों के 71 थर्ड रैंक, इसमें 70 थर्ड रैंक, और ये है कौमी चौधरी। बस आप आगे भी ऐसे ही सफलता प्राप्त करें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पटवार में सेकंड पोजीशन जो आई है बहुत कम मार्क्स का गैप है, 70.65%, यानी पटवार वाले कांस्टेबल वालों से कम नंबर लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये रैंकर है अपने बेंच की, और परसेंटाइल इनका है 93.36 परसेंटेज है। ये है सुनील कुंडालिया, सुनील जी को जादू मंथन किया था या नहीं किया? चलो आपकी सेकंड रैंक है, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। और ये दोनों जो है फर्स्ट रैंकर है, जो आरपी में फर्स्ट रैंक है वो है 75.62%, और आरपी के रैंकर हैं नरेश गुजर। और पटवार में जो फर्स्ट रैंक है वो है, पटवार में जो फर्स्ट रैंक है वो है 76.67%, और ये है बंटी शर्मा। देखो जिसमें दूसरों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होती है ना, अभी जैसे आप दोनों जैसे उधर की तरफ देखे, ये दोनों देखो फर्स्ट रैंकर है आपकी क्लास में, 400-400 बच्चों में जो फर्स्ट रैंक आता है, आपने भी वही काम किया जो इन्होंने किया है, आप भी जयपुर में इसीलिए जिसके लिए ये दोनों हैं, आपने भी अपने माता पिता की कुछ किसी की कमियाँ जमा करें, इन्होंने भी कर दी, ये रैंकर से टॉपर है आपकी क्लास में, और लक्ष्य एक जैसा आपका और इनका भी, मेरी दिल से दुआएं। अभी मैं जब फर्स्ट सेकंड रैंक की
सेकंड और थर्ड रैंक की मेरिट बांटा था, आप उनका सम्मान कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ छात्र है जो नहीं कर रहे थे, आप रैंकर्स नहीं बने कोई बात नहीं, लेकिन जो सफल है उनका सम्मान करना सीख जाओ, कल आप भी रैंकर बन जाओ, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो सफलता को, आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे। जब तक सफलता को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, आपके खुद के अंदर सफल होने की प्रेरणा नहीं जाती। हमेशा सफल लोगों का सम्मान करो, इसलिए क्लास नाइन्थ में हमें प्रेरक जीवनियां पढ़ाई जाती है, कि जो लोग सफल थे, जो राष्ट्र के निर्माण में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया, उनका जीवन पढ़ो, ताकि हमें भी बड़ा बनने की प्रेरणा मिले। तो दोनों ही रैंकर्स हैं, एक बार